बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे बेकार थी। अच्छा, मतलब उनमें वो जो होना चाहिए रेटिंग्स बिल्कुल नहीं, जीरो रेटिंग्स थी। हाँ, वैगनार थी उसमें जीरो रेटिंग थी, और आपका i10 ग्रैंड नियोस देखी थी मैंने, उसमें भी कुछ खास मजा नहीं लगा। अच्छा। और इस प्राइसिंग में, अच्छा, इससे बेटर मुझे ऑप्शन कोई नहीं लगा बहुत। और इसमें फीचर्स, अच्छा, भर के हैं इसमें, कुछ 26 किलोमीटर करीब आसपास कर रही है, अच्छा, लेकिन अच्छा। 24 का एवरेज आराम से दे, 24-25 आराम से। और एक खास बात इसकी ये है कि ये आपका CNG पे या पेट्रोल पे ये फील नहीं होने देती कि ये CNG पे चल रही है पेट्रोल पे चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैगनार में तो कुछ भी नहीं, वो डब्बा था गोल बस। अच्छा, मेन पर्पज आपका CNG का ही था। हाँ, इसमें वैगनार CNG और i10 CNG जाते हैं अपना, वो लंच भी कराते हैं, चाय कॉफी तो देते हैं, लंच भी कराते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, और मैं आज आपको दिखाऊंगा टाटा टियागो i CNG। और सामने से फ्रंट से कुछ इस तरह की लगती है, सामने टाटा टियागो का लोगो, और नीचे कोई फॉग लैंप वगैरह इसमें नहीं आता है, केवल हेलोजन बल्ब आता है लाइट में। साइड से टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें टायर प्रोफाइल आता है आपका 175/65 R14 है, 14 इंच के इसमें टायर मिलते हैं। ORBM में इंडिकेटर मिलते हैं इस बेस से, सेकंड बेस। और जो चाबी हमें मिलती है इसकी कुछ इस तरह की मिलती है, ऐसे अनलॉक, और लाइट भी इसकी जड़ जाती है। मान लो पार्किंग में खड़ी है तो लाइट जला के हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है। लॉक, अनलॉक। तो भीतर से चलिए इसकी बात करते हैं। ORBM इंडिकेटर मिलते हैं आपको, इस तरह से इसकी चाबी खुलती है। डिजिटल मीटर मिलता है आपको यहाँ पे, एक रेडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि हरमन के द्वारा मिलता है इसमें, और यहाँ पे एक हरमन का म्यूजिक सिस्टम जो कि 4 स्पीकर इसमें आते हैं, और चारों पावर विंडो। इसमें CNG का ऑप्शन, आप उसको अब ये पेट्रोल पे, और इसे दबाने CNG पे आ जाएगी, ये CNG पे भी स्टार्ट हो जाएगी और पेट्रोल पे भी। इसमें एक खासियत है, स्टेयरिंग में इसके कंट्रोल्स मिलते हैं वॉल्यूम के, ब्लूटूथ, और आप इसमें कॉल भी उठा सकते हैं। और यहाँ पे ORBM का शीशा, CNG की बैजिंग यहाँ पे मिलती है, चारों पावर विंडो मिलती हैं। पीछे से देखते हैं इसके स्पेस की, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो चलिए इसके इंजन की बात करते हैं, इंजन को खोलने के लिए यहाँ से। काफ़ी हैवी फील होती है, तो इसके इंजन को खोल के देखते हैं। बोनट बहुत हैवी है इसका, इसमें जो है। तो चलिए इसके इंजन की बात करते हैं। इसमें 1197 cc इंजन, 3 सिलेंडर, जो कि 72 HP और 95 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कुछ इस तरह का इसमें इंजन आता है। एक्साइड की बैटरी मिलती है आपको, और इसका जो बोनट है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। मतलब एक बड़ी गाड़ी के मुकाबले जैसे बोनट होता है, इसका बोनट में वेट है इसमें। यहाँ पे इसमें आपको CNG की किट मिलती है। इसकी आवाज़ सुनाता हूँ मैं स्टार्ट करके, कुछ इस तरह की आवाज़ है, क्लिच भीच कर स्टार्ट होती है। और अब ये CNG पे है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, इसकी आवाज़ कुछ इस तरह से है। काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन है इसका, साइलेंट एकदम, बहुत बाहर ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है इसकी। और कैबिन नॉइज़ की बात करें तो कैबिन में इसकी पता भी नहीं चल रही कि स्टार्ट है गाड़ी। मैंने RPM दिए तो थोड़ा बहुत साउंड भीतर आता है, यहाँ से आप इसके ORBM सेट कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑनर से मिलते हैं और पूछते हैं इनको कितने की पड़ी थी टोटल 2022 में।
तो नमस्कार भाई। नमस्कार जी। अच्छा अच्छा, तो आपको कितने में ली थी आपने ये? भाई ये गाड़ी मैंने ली थी 7,72,000 रुपये की पड़ी थी मुझे। अच्छा। और इसके साथ कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी थे। अच्छा अच्छा। और बाकी जो और मैंने 2-3 गाड़ियाँ देखी थी। अच्छा अच्छा। उनमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। अच्छा। और रेट का तो था ही डिफरेंस। अच्छा। और आपका गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो सबसे बेकार थी। अच्छा, मतलब उनमें वो जो होना चाहिए रेटिंग्स बिल्कुल नहीं थी। जीरो रेटिंग्स थी। हाँ, वैगनार थी उसमें जीरो रेटिंग थी। और आपका i10 ग्रैंड नियोस देखी थी मैंने, उसमें भी कुछ खास मजा नहीं लगा। अच्छा। और इस प्राइसिंग में अच्छा इससे बेटर मुझे ऑप्शन कोई नहीं लगा बहुत। और इसमें फीचर्स अच्छा भर के हैं, इसमें फीचर्स भर के। आपने कैश में ली थी? हाँ बिल्कुल कैश ली। अच्छा, अब तक कितनी चला चुके इसको? ये समथिंग 5,000 के करीब चलाई हुई है। अच्छा अच्छा, एवरेज वगैरह कितना दे रही है? एवरेज कंपनी तो जो क्लेम कर रही है आपका ये कुछ 26 किलोमीटर करीब आसपास कर रही है। अच्छा, लेकिन अच्छा। 24 का एवरेज आराम से दे रही है, 24-25 आराम। और एक खास बात इसकी ये है कि ये आपका CNG पे या पेट्रोल पे ये फील नहीं होने देती कि ये CNG पे चल रही है पेट्रोल पे चल रही है। अच्छा, मतलब महसूस नहीं होने देती कि पेट्रोल पे चल रही है CNG। आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। अच्छा अच्छा, आपने i10 भी चलाई थी जैसे चेक करा था कि? मैंने टेस्ट ड्राइव उसकी ली थी, वैगनार की ली थी और i10 ली थी। i10 मतलब उसमें जो स्पेसिफिकेशन थी मतलब उसमें वो ठीक थे मतलब। अच्छा अच्छा। और वैगनार में तो कुछ भी नहीं, वो डब्बा था गोल बस। अच्छा, मेन पर्पज आपका CNG का ही था? हाँ, इसमें वैगनार CNG और i10 CNG CNG देखी थी मैंने। अच्छा अच्छा, दोनों तीनों गाड़ी थी। अच्छा 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 अच्छा, तो उसका यही था इसमें। अब स्टार्टिंग में तो आई थी इंटेलिजेंट CNG और उसमें बहुत बुकिंग चल रही थी। 6 महीने की वेटिंग पे मेरे को मिली। अच्छा, वेटिंग थी उस टाइम इसमें? हाँ, उस टाइम वेटिंग थी, मैंने 6 महीने पहले वेटिंग थी, 6 महीने बाद मेरे को मिली। अच्छा, अभी तक जैसे आपने सर्विस वगैरह कराई है इसकी कोई दिक्कत वहाँ पे शोरूम में? बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, जाते ही अपना वो लंच भी कराते हैं, चाय कॉफी तो देते हैं, लंच भी कराते हैं। अच्छा, लंच भी कराते हैं। चलो चलो, इसको चला के देखते हैं कैसी चलती है, और भाई से पूछते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो इतना आपसे बोल रहा था। अच्छा अच्छा, इसमें फीलिंग बिल्कुल नहीं आप कर सकते कि फील की CNG पे पेट्रोल। और काफी भारी सी भी लगती है चलने में, तो जैसे चपटी गाड़ी चला रही है। बिल्कुल रोड पे जम के एकदम चलती है। और आपका इसमें CNG एकदम महसूस नहीं हो सकती CNG पे पेट्रोल। और वैगनार के मुकाबले इसमें सब कुछ है, मतलब तो सब चीज मिली उसमें तो कुछ नहीं था। सबसे बड़ी बात सेफ्टी है इसमें, सेफ्टी का सबसे बड़ी तो सेफ्टी है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं कि स्पेसिफिकेशन में उसमें ये नहीं था, स्टीरियो नहीं था हारमोन का, मतलब ऐसा भी स्टीरियो नहीं था उसमें, जीरो म्यूजिक सिस्टम। हाँ, म्यूजिक सिस्टम कुछ नहीं था, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं था। हाँ, इसमें ये आपका म्यूजिक सिस्टम मिलता है हारमोन का, इसमें 4 स्पीकर्स मिलते हैं इसके साथ में। हाँ जी, स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट है इसका, जैसा अच्छे तेज चलाते हैं इसको तो जब टाइट हो जाता है नहीं वैसे। अच्छी अच्छी फील देता है, बहुत अच्छी फील देती है गाड़ी। एक बार इसको पुश कर गाड़ी, मतलब पैसा वसूल गाड़ी है ये समझो। पिकअप भी काफी सही है, CNG में पता नहीं चल रहा है कि CNG में चल रही है पेट्रोल में, 80 के बाद बीप करती है। से इसकी बात करें, मेरी हाइट 6 फुट है और मेरे अभी पैर इसमें अड़ नहीं रहे हैं, भाई ने अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। भाई की हाइट भी 6 फुट है। पीछे आपको इसके यहाँ पे शीशे के कंट्रोल मिलते हैं अप एंड डाउन करने के लिए, यहाँ छोटा सा एक स्पीकर, साइज काफ़ी अच्छा है इसमें। पीछे यहाँ पे भी स्पीकर मिलता है, साइज भी ठीक है। चलो इसको एक बार पंच करके देखते हैं कैसी पिकअप है इसका। नागर, यतेंद्र नागर, कौशल, विवेक, ब्रेकिंग भी काफी ठीक है इसकी। चलने में तो काफी अच्छी है वैगनार से, काफी अच्छी चल रही है। तो भाई से बात करते हैं, पूछते हैं भाई प्रेफर करना चाहोगे कि कोई इसको ले? हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल।
बिल्कुल लोग इसमें बहुत सारे चलने में तो है ही अच्छी और स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छे हैं इसमें। और क्या है आपका ऊपर माइक मिल जाता है इसमें और क्या है अच्छा कॉल आ रही किसी की रिसीव करो और उसमें वो तो हरबन के म्यूजिक सिस्टम में मिलता है आपको। अच्छा सर्विस के रिगार्डिंग बताओ क्योंकि टाटा की सर्विस बहुत खराब है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे अभी तक आपने क्या? मुझे तो ऐसा अभी कोई परेशानी हुई नहीं है। अच्छा हाँ जाता हूँ गाड़ी छोड़ के या तो आ जाता हूँ या कभी रुकता हूँ तो वो सारा पूरा मैं चाय कॉफी ऑफर करते हैं खाना ऑफर करते हैं तो इससे बेस्ट क्या है। अच्छा अभी तक आपने सर्विस की खूबियाँ बताई है मतलब अच्छी चीजें बताई है, कोई इसमें खराबी हो जो अभी तक आपको बेकार लगी हो कुछ इसमें? नहीं मुझे तो अभी महसूस कुछ हुई नहीं है ऐसी खराबी इसमें हो। अच्छा अच्छा इससे पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? इससे पहले मेरे पास थी जी आपको आइटन ग्रांड थी। आइटन ग्रांड हाँ 2014 मॉडल। अभी भी है वो? हाँ अभी भी है मेरे पास वो। अच्छा उसको चलाते हो और इसको चलाते हो क्या डिफरेंस मिलता है आपको? वो सीएनजी नहीं है, सीएनजी उसे बाहर से लगाई है उसमें तो बहुत है, उसमें तो पिकअप नहीं है ना वो। अच्छा, अच्छा। इस तरह का इसमें पिकअप मिलता है देखने को वो नहीं है इसमें। ये सामने भी टाटा टियागो खड़ी है पेट्रोल में, देखो सामने ये टॉप मॉडल है इसका, टॉप मॉडल है, इसमें वाइपर लगा हुआ है। तो चलो भाई बोल रहे हैं कि अच्छी गाड़ी है, प्रेफर करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं इसको। सीएनजी जो लेना चाह रहा हो वैगनार सीएनजी या फिर i10 सीएनजी तो टाटा टियागो सीएनजी भी एक बार आप देख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है। मैंने गाड़ी को चला के देखा, गाड़ी बेस्ट है और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई सीएनजी में गाड़ी लेना चाह रहा हो छोटी गाड़ी तो बेस्ट गाड़ी है। कैसी लगी आपको वीडियो और आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।